पकड़ के रख रहे वाला है ये वाली राइड भी करेंगे यार, क्या जबरदस्त लगेगा, एडवेंचर खतरनाक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हैप्पी जर्नी पंकज में। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ कानपुर के ब्लू वर्ल्ड वाटर पार्क के सामने, और जो कि कानपुर का आन बान और शान है, और इतनी मस्त जगह है ना ये कि आप भी बोलोगे क्या जगह दिखाया मैंने आपको। तो चलिए ब्लू वर्ल्ड वाटर पार्क को देखते हैं। भीड़ देख सकते हो आप कितना ज़बरदस्त है, और ये रहा टिकट काउंटर, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। चलते लाइन में लगते हैं, देखते हैं कितने का है। मंडे को अगर फुल लोगे आप पूरा फुल पार्क का तो 950 का है, अगर ओनली पार्क लोगे तो 450 रुपीज़ का है, उसके बाद अम्यूजमेंट पार्क का लोगे तो 600 का है। तो हर डे बाई डे चेंज होता रहता है, लिस्ट है ये देख सकते हो आप, इसके हिसाब से आप टिकट ले सकते हो। सो यार देखो, टिकट तो ले लिया है, ये रहा टिकट। एक चीज़ ये मिला है टिकट, 900 रुपये का टिकट पड़ा है। ये पूरा फुल पार्क है, अम्यूजमेंट पार्क राइड, एडवेंचर वाली राइड, वाटर पार्क और फूड वगैरह सब कुछ इंक्लूड है। तो ये ट्यूजडे को 900 का पड़ा है, तो डे बाय डे ये चेंज होते रहता है, ठीक है। तो ये देख लो, ये है एक, इसको संभाल के रखना, अगर खो गया तो बहुत दिक्कत है। पहला ये ध्यान से देखना, और दूसरा देखो ये फूड का है तो इसको भी ध्यान से रखना, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। और अभी दिखा रहा हूँ मैं तीसरा, और ये तीसरा बैंड जो कि आपको हाथ में बांधा जाएगा, ठीक है। तो चलिए दिखा दिया मैंने आपको टिकट वगैरह, अब चलते हैं अंदर, एंट्री लेते हैं और एक एक राइड करेंगे। और ये खतरनाक है, सबसे कानपुर का सबसे बेस्ट एंड बेस्ट है, मतलब यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। तो आप लोग अगर कानपुर आ रहे हैं तो ज़रूर आना यहाँ पर, अगर आप लोगों को देखना है। तो ये यहाँ पर काउंटर है लगेज वगैरह रखने के लिए, ये एक्चुअली ब्लू वर्ल्ड की तरफ से ही है, तो आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगेगा आप लोगों का। और तकरीबन अभी 2 बज रहे हैं, और ये काफ़ी बड़े एरिया में है, ये पूरा का पूरा देख सकते हो, काफ़ी औसम है। और ये देखो बिल्कुल ठीक है, मेन रोड के साइड पे ही है, इस वाले रोड पे मंदाना रेलवे स्टेशन है, तो अगर आप लोग इधर से आ रहे हैं तो इधर से भी स्टेशन से आ सकते हैं आप लोग, और इधर से ऑटो वगैरह से आपको लेकर के आएगा इस साइड से। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हैं तो ये कानपुर रेलवे स्टेशन से अगर आप लोग आते हैं तो तकरीबन 23 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और वहाँ से आपको तकरीबन 2 से 3 ऑटो चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप लोग यही मंदाना रेलवे स्टेशन से आते हैं तो आप लोग जल्दी आ जाएंगे यहाँ पे, और काफ़ी कम कॉस्ट में आ जाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं कानपुर का जो ब्लू वर्ल्ड वाटर पार्क है, ये काफ़ी फेमस है, पूरे कानपुर में फेमस है, ये किसी से भी पूछोगे आप तो आपको आराम से बता देगा। तो चलिए दिखाते हैं कि क्या क्या सारी एक्टिविटीज़ है इसके अंदर। और ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये लाइन लगी हुई है पार्क के अंदर जाने के लिए, और यहाँ पर आपका लगेज वगैरह भी चेक कर लिया जाएगा प्रॉपर। और सामने देखिए ये जो मोहतरमा खड़ी हैं, ये आपको एक वेलकम ड्रिंक देंगी, तो चलिए अपना वेलकम ड्रिंक एंजॉय करते हैं। एंट्री करते ही आपको इधर ठीक लेफ्ट साइड पे बच्चों का सारा एडवेंचर एक्टिविटीज, झूले वगैरह सब मिल जाएंगे आपको। ये देखो फ्लाइंग चॉपर है ये, तो फ्लाइंग चॉपर आपको सबसे पहले मिलेगा देखने को, और एडवेंचर और काफ़ी मस्ती से, मतलब बोर नहीं होंगे बच्चे यहाँ पे। देखो आप नज़ारा देखो पहले चारों तरफ का, कितना खूबसूरत है। और ये देखो ये राइड चल चुकी है बच्चों के लिए, अम्ब्रेला राइड, और देखो कितना मस्त एंजॉय कर रहे सारे बच्चे, काफी पब्लिक आई हुई है घूमने के लिए। तो कैसा लगा सर आप लोगों को घूमने? तो अभी आप लोगों ने घूम लिया या अभी आप घूमोगे? कुछ घूमा है, अभी कुछ घूमना है, वाटर पार्क घूमना है। अच्छा अच्छा, तो अभी फिलहाल कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। और कहाँ से आए सर आप लोग? हम लोग आए हैं कानीपुर से, मतलब कितना दूर है यहाँ से? तकरीबन 20 किलोमीटर। और हम लोग आए हैं 250 किलोमीटर दूर से, झांसी से। झांसी से आए हो आप? झांसी से आए हुए, उससे भी आगे से, मतलब काफी क्रेज है इस वाटर पार्क का। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हो, इससे पहले भी आ चुका हूँ? चलिए बहुत बढ़िया। और राइड्स वगैरह कोई बच्चे वगैरह किए हैं या नहीं अभी तक? अभी बच्चे एक दो झूला झूले हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को झूला वूला कुछ ट्राई करा आप लोगों ने? अच्छा लगा? आगे आप देखते हैं पूरा ओवरऑल बहुत अच्छा है, ओवरऑल बहुत अच्छा है। तो चलिए अभी और ट्राई करते हैं। तो देख सकते हो काफी ज्यादा लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, और अभी जा रहे हैं अंदर की तरफ। ये घूम रहा है कप वाला, कप सॉसर मस्त है। और उसके ठीक बगल में ही देखो ये हॉर्स वगैरह का है, देखो चारों तरफ, मतलब ये बच्चे बोर नहीं होंगे। ये टून टैंगो,
इतना मस्त ऑसम है। और ये देखो इधर मेढक वगैरह की, ये आखिरी राइड है बच्चों का। ये देखो क्या मस्त, सारी ऊपर भी राइड्स है, ऊपर भी राइड्स है, और ये पटरी वाली भी राइड है, इसमें भी ट्रेन जाती है। और ये बड़ों वालों के लिए है। और इधर देखो, इधर तो लगेगा आपको कि अलग ही दुनिया में आ गए हो, आप इंग्लैंड आ गए हो, ऐसा लगेगा कि फॉरेन में आ गए हो। यहाँ पे आप फोटो शूट हर चीज करवा सकते हो यार, एकदम सबसे नंबर वन लग रहा है ये देखने में, लगेगा कि अलग ही दुनिया में आ गए हो आप। ये देखो खतरनाक लग रहा है। और ये है अंदर का लॉकर और कॉस्ट्यूम का रूम वगैरह, तो यहाँ पे आप 100-100 रुपये देंगे, 100 रुपये कॉस्ट्यूम के और 100 रुपये लॉकर के, 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करने पड़ते हैं कॉस्ट्यूम के और 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करने पड़ते हैं आपको लॉकर के, जो कि बाद में आपको 100-100 रुपये रिफंड हो जाएंगे, तो यानी 200 आपका कुल पड़ेगा। यहाँ काफ़ी भीड़ रहता है यहाँ पे, ये देखो काफ़ी भीड़ ही रहता है चारों तरफ, हमेशा भीड़ ही मिलेगा आपको, कभी भी खाली नहीं। और ये जो सामने जो दिख रहा है ये है लॉकर रूम। चलिए देखिए, मैंने तो लॉकर वॉकर ले लिया है, जमा कर लिया, मैंने कॉस्ट्यूम नहीं लिया क्योंकि मेरे पास कॉस्ट्यूम है। और ये देखिए लॉकर का की मेरे हाथ पे भी लगा हुआ है, तो इसके अंदर ही जाते हैं और लॉकर वगैरह वहाँ पे रखा हुआ है। आप पर्ची लेकर आएंगे तो आपको मिल जाएगा, कोशिश करें कि आप जल्दी आएँ, सुबह यार बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा कवर दिखा सकूँ, पूरा वीडियो दिखा सकूँ इसका। ये देखिए 70-100 सीधा ठीक सामने लॉकर रूम के सामने, ये रहा लॉकर रूम अपना। इधर से आप इधर जाएंगे बिल्कुल सीधा स्ट्रेट तो आपको 70-100 मिलेगा। और देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है इसका। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे 70-100 चलता है और हर 7 मिनट में चेंज होता रहता है। 7 मिनट का शो चलेगा, फिर दूसरे आएंगे, फिर तीसरे आएंगे, इसी तरह कंटिन्यू चलता रहता है। और इधर भी शो चल रहे हैं तारा मंडल वगैरह का, तो इधर भी जा सकते हैं आप लोग, तो इसको हम बाद में दिखाएंगे आपको। तब तक चलिए करते हैं एडवेंचर राइड्स वगैरह। क्या खूबसूरत है, और इसमें पता नहीं कौन सी रानी बैठी हुई है। और ये देखो ये है डायनो प्लानेट, तो इसमें चलेंगे अभी मस्त। ये देखो कितना ऑसम लग रहा है, खतरनाक। देखो इस शो में आ गए हैं, ये पता नहीं, ये लगता है रेस्टोरेंट वगैरह बनाया गया। ये देखो ये है रेस्टोरेंट वगैरह का फील दिया गया है गांव का, बिल्कुल ऑसम थीम डिजाइन किया गया है इसको। ये देखो कितना ऑसम लग रहा है, इतना बड़ा पपीता। और ये देखो ये बिल्कुल गांव वाला फील, कुआं वगैरह बनाया गया है। देखो खाली है बिल्कुल ये। और ये रेस्टोरेंट होटल वगैरह, आप यहाँ पे बैठ के आराम से फूड वगैरह इंजॉय कर सकते हैं। ये खटिया वगैरह लगा हुआ है, आराम से बैठ करके आप इंजॉय कर सकते हो, चूल्हे पे खाना बनाया जा रहा है। ये वाली राइड भी करेंगे अभी मस्त, गाड़ी वाली। काफ़ी सारी राइड्स हैं, मतलब एक वीडियो में बनाना बहुत मुश्किल है सारा कवर करना, तो हो सके तो दो पार्ट में आएगी, और नहीं तो फिर वीडियो को जो है थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा वीडियो का लेंथ को। तो आप लोग सारा वीडियो देखना, बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक ही जगह पे है ना, और इतना टिकट प्राइस में ना, तो वर्ल्ड्स ऑफ वंडर में भी नहीं मिला यार, जो कि 1500 रुपये का टिकट है समथिंग, और इसमें 900 रुपये में, 1000 रुपये में आपको इतनी सारी फैसिलिटी मिलेगी कि आपका पूरा पैसा वसूल है इस पर। तो देखो अब ये वाली राइड करेंगे, मस्त मज़ा आने वाला है। ये वाली राइड भी करेंगे यार, क्या ज़बरदस्त लगेगा एडवेंचर एक्टिविटी जो ये, बहुत तेज़ी, क्या खतरनाक है। काला इतना आवाज़ कर रहा है ना कि आप, कितना ज़बरदस्त है ये, हाथी वाथी सब ऋषि मुनि का बनाया गया है। ये देखो क्या लुक लग रहा है, देख रहे हो आप, मतलब कितना ऑसम लग रहा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था यार कि मणिपुर में इतना बड़ा और इतना बढ़िया अम्यूज़मेंट पार्क होगा, मतलब दिल्ली नोएडा भी फेल कर दिया यार। देखो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो, एक बार आप देखो आप, ये देखो क्या खूबसूरत हाथी चारों तरफ, और इधर भी देखो सारे ऋषि मुनि वगैरह सब योगा करते हुए।
तो अभी देखो स्टार्ट हो गई है। ओह ये तो अभी ये राइड करने वाले हैं मस्ती से। तो अभी करने वाले हैं ये राइड और काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो गाइज फाइनली बैठ गए हैं यार और बहुत डर लग रहा है। फर्स्ट टाइम में देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है और दिखाते हैं आपको। ये देखो चालू हो गई है भाई और अकेला ही बैठा हूँ मैं आगे। डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। अभी तो चालू, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। और ये देखो वो जबरदस्त गजब लग रहा है भाई, मस्त काफ़ी हाइट पे जा रहा है ये। अभी तो नॉर्मल जा रहा है क्योंकि अभी चढ़ रहा है ऊपर की तरफ। और ये देखो नज़ारे ऊपर से। अब जो डर लगेगा ना, अब लगेगा हकीकत में, क्योंकि अब सीधा नीचे जाएगी। ये देखो काफ़ी ऊंचाई पे चल गया। ओहो अब देखो मेन जो डर लगेगा। ओ तेरी, ओ तेरी, ओ भाई साहब, ओ तेरी, ओ भैया, ओ फाइनली कंप्लीट हो गया यार। और मज़ा आ गया, उतना कुछ खास डर नहीं है। यार उतना डर नहीं है जितना लग रहा था। करने के बाद बहुत मज़ा आ रहा था, लग रहा कि एक बार और करें, लेकिन अभी भीड़ है, काफ़ी लोग हैं। तो अब चलिए दूसरा करके दिखाते हैं आपको। अब अगला दिखाते हैं आपको, अब अगला ये वाली राइड करने वाले हैं। देख रहे हो ना काफ़ी मस्त है, ऑसम है। दिखाते हैं आपको अभी ये वाली राइड करके, यार खतरनाक। सारे भाई लोग बैठ चुके हैं और हेलो बोलो भाई लोग, हेलो व्यूअर्स को। और काफी एंजॉय आने वाला, अभी देखते हैं। फर्स्ट टाइम ये राइड कर रहे हैं, तो आप लोगों ने कर चुका है या पहली बार कर रहे हो? फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना आप लोग भी? अब देखते हैं यार कैसा एक्सपीरियंस होता है। और ओ भाई साहब देखो कैसे घूम रहा है। ओ हो ओ तेरी, ओ क्या मजा आ रहा है भाई। अभी तीन बार हुआ है, पता नहीं अभी उल्टा लेगा। अच्छा अब उल्टा लेगा, उल्टा अभी तक तो फिलहाल ऊपर ही ले जा रहा है। और ये देखो रोकना मत भाई ऊपर। अरे देखो रोक दिया, और रोक दिया बीच में, अब पीछे लेके जाकर रिवर्स करेगा। ओ ओ ओ तेरी, अरे बस भाई, अरे गजब भाई। ये ऊपर वाली राइड तो आप करेंगे मस्त, इधर वाली राइड, यहाँ से भी राइड करेंगे इसके ऊपर से। और ये कुर्सी वाला मिलता है ना तो और मज़ा आता करने में, देख रहे हो ना। तो उस साइड से शायद मिलेगा, तो उधर चलेंगे तो करके दिखाएंगे अभी आपको। देखो ये बोट वाली है यार, बोट वाली तो बहुत किया है, तो बोट वाली अभी नहीं करूँगा, अभी करने को अपने को ऊपर चलने का है। तो भाई लोग यार खाना खा रहा था मैं, भूख लग गई थी, तो वो जो था खाना खाने वाला टोकन वो दे दिया मैंने और खाना खा लिया। मस्त खाना था यार, जितनी मर्जी उतनी बार ले लो, एक बार खा सकते हो आप जितनी मर्जी उतनी बार खाओ, उसके बाद वो वहीं जमा कर लेते। तो खाना वाना खा लिया, पेट मस्त भर गया। और मेन्यू में थोड़ा सा मैं बता दूँ, मेन्यू में था इडली सांभर रोटी चावल दाल हलवा, और भी चार पाँच सौ थे पनीर की सब्ज़ी थी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो मज़ा आ गया, पेट भर गया, मतलब बहुत बढ़िया है यार। और अभी चलिए दिखाते हैं, अब करेंगे अगली राइड्स, ये वाली। ये देखो ये वाली राइड करेंगे मस्त एकदम खाने के बाद। ये देखो दोस्तों ये भी करेंगे मस्त एकदम, ये मस्त मज़ा आ जाएगा। ये राइड अभी करने वाले हैं मस्त। तो गाइस देखो अभी अपनी इसी जगह पे आके लगेगी अपनी भी गाड़ी और मस्त राइड करके दिखाते हैं आपको। तो गाइस देखो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है मस्त, और यहाँ से व्यू देखने में ऑसम लगेगा यार। ये देखो कहीं नया
गए यार, ऐसा लग रहा है इस साइड में फॉरेन कंट्री में आ गए एकदम, गजब लग रहा है। लेकिन है ये इंडिया भाई। और देखो भाई सब बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो चाइना का, तो गया था मैं हाँ पंजाबी ढाबा। ओहो ये देखो कितना बड़ा मस्त है। ये देखो मस्त एंजॉय चल रहा है सब जगह। ये देखो क्या मस्त एकदम मस्त लग रहा है कि पहाड़ों से पानी आ रहा है झरने से। ये देखो कितना बड़ा मस्त राइड है यार, अभी लाइन लगा हुआ है सबको जाने के लिए। काफी मजा आ रहा है यार, काफी एंजॉय आ रहा है मस्त वाटर पार्क में यहाँ का। और काफी भीड़ है यहाँ पे और अभी बहुत बड़ी बड़ी राइड्स है इसके अंदर। चलो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो ये फोर्स मार रहा है गजब। ये देखो ये रहा यहाँ का वेव पूल। यार बंद हो गया। ये देखो भीड़ कितना है और ये स्लाइड्स मजा आएगा करने में। ये देखो ये वाली राइड भी मस्त है, यहाँ पे काफी ज्यादा हाइट पे है। और ये देखो आगे ये देखो ये वाला राइड भी काफी मस्त है यार। ये दांत वांत कहाँ घुसा रहे हैं ये देखो इधर। और ये देखो भाई चला गया है ये। ये देखो काफी खतरनाक है और ये मस्त चली गई हुई है। देखो मस्त चल रही है। ओ बस जा रहे भाई और मजा आने वाला है। अभी देखो कितना ऊंचाई पे जा रहा है अभी। ओ ओ दांत में बज गए। ओ हो अरे बेटा भाई और ये देखो क्या व्यू है यार। और ये दांत में घुस गया। ओ पकड़ के रख रहा है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया एकदम, मजा आ गया मस्त। दोस्तों कॉस्ट्यूम वगैरह चेंज कर लिया, स्विमिंग कर लिया कंप्लीट। और इससे बढ़िया पार्क यार मैं बोलूँगा आपको पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। तो आप लोग पूरी फैमिली के साथ आइए, काफ़ी मस्त जगह है, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे नंबर वन वाटर पार्क है। और पूरा पैसा आपका यहाँ पे वसूल है, पूरा का पूरा पैसा। और आप लोग मॉर्निंग में आना क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ है। अभी तो मैं पूरा आपको दिखा ही नहीं पाया हूँ लेकिन अब चलूँगा, थोड़ा सा और राइड आपको दिखा दूँ उसके बाद चलते हैं। और ये 8 बजे तक खुला रहता है तो आप लोग कभी भी आइए, फुल इन्जॉयमेंट मिलेगा आप लोगों को। ज़बरदस्त है ये, ऑसम व्यूज है तो आप लोग को ज़रूर आना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगा। और जो वाटर राइड है वो 5:30 बजे बंद हो जाता है, तो सबसे पहले आकर आप लोग वाटर राइड करें उसके बाद इसको करें। और ये देखो कितना मस्त ऊंचाई पे है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये
है। ये भी मस्त था लेकिन मस्त बैठ गए हैं अभी फ्लाई स्काई वाले पे और देखते हैं अभी इस राइड का मजा लेकर के। ओ तेरी उठ गई है, ऊपर जा रही है। ओह ओह क्या नजारा है। ओ तेरी, और ये देखो लड़के को एकदम डर रहा है। ये देखो कितना ऊंचाई पे आ गया अभी। अरे वाह गजब, यहाँ से नीचे गिरेगी। ओह तेरी, अरे मजा आया था थोड़ा सा यार, एक बार थोड़ा सा झटके ली थी तो मजा आया था, बाकी नॉर्मल कर लोगे आप लोग आराम से। Thank you.